दो ही लोग हैं, तीसरे के आने की प्लानिंग है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई एम सुशील, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ करते हैं। और अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, अब बज रहे हैं सुबह के 9 और आज हम लोगों को जाना है वॉशिंग मशीन लेने और प्रिया के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ज्यादा काम नहीं करना है प्रेगनेंसी में। तो मैं सोच रहा था अब इनको वॉशिंग मशीन दिला देता हूँ, काफी टाइम से बोल रहा था लेने के लिए, बट प्रिया मना करती थी अभी नहीं लेंगे बाद में लेंगे। ऐसे करते करते आज इतने दिन बीत गए, तो फाइनली आज जाके हम लोग वॉशिंग मशीन ले आएंगे और देखते हैं प्रिया भी क्या कर रही है। तो आइए दिखाते हैं प्रिया भी क्या कर रही है। सुबह सुबह उठ के मैंने बोला था नारियल पानी पी लो और हम लोग को चलना है आज वॉशिंग मशीन लेने के लिए। तो बेबी कहना मानती है मेरा, लेकिन लाइट नहीं जल रही है। नारियल पानी पी लो, तो आज बता दिया इनको सुबह सुबह उठ के कि चलो उठो जल्दी चलते हैं वॉशिंग मशीन दिला देते हैं। मैं तो तैयार भी हो गई। तैयार क्या, ये बस इनको सिर्फ एक ही कपड़ा होता है इस टाइम। मैं बोल रहा हूँ कपड़े भी ले लो, शॉपिंग भी कर लो और मतलब कि वॉशिंग मशीन भी ले लो। तो बोले नहीं अभी बाद में लेंगे, मतलब वॉशिंग मशीन करते करते इतना टाइम हो गया और अब फाइनली उसकी बारी आई है। तो आज हम लोग जाएंगे वॉशिंग मशीन दिलाएंगे इनके लिए। और हम लोग कौन सी वॉशिंग मशीन लेने वाले हैं तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं देखते हैं कौन सी वॉशिंग मशीन समझ में आती है। क्योंकि मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी में तो भाई एक अच्छी वॉशिंग मशीन चाहिए ताकि बेबी के मम्मी को कम काम करना पड़े। तो चलते हैं गाइस मार्केट और देखते हैं इनको कौन सी मशीन पसंद आती है। तो है ना, रही बात गाइस कपड़ों की, मैं कपड़े इसलिए नहीं ले रही हूँ ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कपड़ा टाइट हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइट ही हो जाए, ये देखिए थोड़ा टाइट हो जाए उसके बाद फिर मैं लूँ। बट ठीक है, देखते अभी ये वैसे कम्फर्टेबल है काफी, ऐसा ही लूंगी अगर लूंगी तो। हाँ, मैं नहीं पीऊंगा। तो चलते गाइस फिर नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं मार्केट में और इनको वॉशिंग मशीन आप दिला देते हैं और दिला के ले आएंगे, नहीं तो ये फिर टाल देंगे तो ऐसा टलता रहेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम को कोई प्रॉब्लम हो। और डॉक्टर का भी कहना है कि अब ज्यादा काम नहीं करना, आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है और अच्छे से डाइट लेनी है। तो गाइस अभी हम तैयार हो गए हैं, चलते हैं मार्केट और इनको देखो पूरा बैग लेके तैयार हो गई है। और इसमें क्या लेके आओगी तुम? बैग में मैं लेके आऊंगी स्नैक्स, कुरकुरे टुरकुरे, खट्टे मीठे कड़वे, ये सब लेके। पिछली बार जो इनको खट्टे मीठे ले आया था इमली उमली तो कह रही है वो कम पड़ गए थे, इस बार भर के ले आएंगे, तो बैग ले जा रही है इसीलिए। हाँ एक्चुअली जिधर मार्केट जा रहा है ना उधर ये सारी चीजें काफी मिलती हैं और हमारे इधर मिलती नहीं है, सब मैं लेके आ जाऊंगी इसमें आराम से। भैया चलो ठीक है, आज तो चलते हैं फिर, इनको आज जो भी खट्टी मीठी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है, शॉपिंग है, तो सब करा देते हैं। अब ज्यादा लेट ना करो, नहीं तो सब कुछ लेट हो जाएगा। और गाइस अभी हम लोग आ गए हैं टुंडे कबाबी और इनको आगे आगे भागी जा रही है चिकन खाने के लिए। हाँ अभी कितना अच्छा सजा है यहाँ, अभी जब भी आते हैं हमेशा सजा रहता है ना। आओ और इधर तो फेमस है भाई ये, तो आपने दूसरी वीडियो में देखा हो। सो गाइस आ गए हैं हम लोग टुंडे कबाबी, क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा, काम दूजा। इनको नॉनवेज खिला देते हैं, उसके बाद चलेंगे इनकी वॉशिंग मशीन दिलाएंगे हम, तो बस खा लेते हैं फिर मिलते हैं। और चिकन खाने का मन कल से हो रहा था, हमें लगता है ना अंदर वाले का भी मन हो रहा है, इसलिए मेरा ज्यादा मन हो रहा है। और गाइस हमारा ये चिकन मसाला आ गया और ये पराठा और ये दो समी कबाब, इसमें डालते हैं बढ़िया सा नींबू और ये हमारा नान। तो चलिए फिर वो खिला देते हैं आज और उसके बाद मिलते हैं आपको। गाइस अभी लोगों खाना पीना हो गया, चलते हैं वॉशिंग मशीन दिला देते हैं और अभी सेल्फी पॉइंट पे इनको दो तीन सेल्फी लेनी है, दो रील बनाएंगे फिर ये निकलेंगे। और रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको रील्स देखने को मिल जाएगी। गाइस तो अभी हम लोग आ गए हैं रिलायंस डिजिटल और यहाँ से मैं उठाने वाली हूँ अपनी वॉशिंग मशीन, क्योंकि बहुत टाला मटोली कर ली, अब नहीं करूँगी। और ये तो आगे आगे भाग जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा शौक है इनको और मैं काली आ रही हूँ। रुक जाओ अंदर पहुँच जाओ फिर बताती हूँ। और गाइस आज वॉशिंग मशीन लेके जाएंगे और चाहे जो कर लें। आओ देखते हैं इनको कौन सी पसंद आती है। मैं एक वॉशिंग मशीन चाहिए थी, सेमी या फुली दिखा दीजिए। नहीं सेमी में सर ये इस तरीके की मिल जाएगी आपको, जैसे ये लगी हुई सेमी ऑटोमेटिक में टॉप लोड।
दो ही लोग हैं, तीसरे के आने की प्लानिंग है। 7 kg में देखेंगे या 6.5 kg में भी देख सकते हैं। 6.5 दोनों ही दिखाते जी, 6.5 kg पहले, ये 6.5 और 7 दो ठीक है। तो 7 kg में ये देख लीजिए 23,990 की आ जाएगी आपकी, ठीक है ये वाली। इसमें LG का होगा, LG है, LG का होगा ये वाला, इसमें झुकना पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो कोई मतलब ही नहीं ना। वही साइज़ में अगर 6.5 के जी जाने तो फिर 7 के जी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस में देखते हैं आएगा नहीं। कौन सा ये वाला आ जाएगा? हाँ LG में, ये आपका हाइड्रोलिक भी होगा, 6.5 kg में होगा। गाइस यहाँ वॉशिंग मशीन तो काफ़ी सारी हैं, बट टॉप लोड ही लेना है, फ्रंट लोड लेना नहीं है, मुझे झुकना पड़ेगा, तो टॉप लोड में मैं पसंद कर लेती हूँ। गाइस इनकी वॉशिंग मशीन पसंद हो गई है, और इन सब में से कोई एक ली है, कौन सी ली है आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है ना, पसंद है। तो चलिए फिर चलते हैं घर, और वॉशिंग मशीन हमारी बहुत जल्द आने वाली है। और गाइस ये वॉशिंग मशीन पसंद कर चुकी है और इधर पैक हो चुकी है, और इनको कल, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, क्योंकि आज डिलीवरी करने वाले भैया नहीं है। हाँ वैसे कोई बात नहीं, कल मंडे है तो अच्छा ही है, कल मिलेगी। तो गाइज अभी हम लोग घर आ गए हैं वापस, और प्रिया भी बहुत ज्यादा थक गई थी यार, क्योंकि गाइज आज सुबह से वॉशिंग मशीन दिलाने के चक्कर में इनको तो काफी ज्यादा चलना पड़ा, और बहुत खड़े होने भी पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि ना कि वॉशिंग मशीन इनके पसंद की हो, क्योंकि काम भाई इन्हीं को करना, इनको ही आराम ज्यादा मिले, और इन्हीं के लिए लेनी थी, तो उसी हिसाब से मैं इनको ले गया था, मैंने इनको पसंद करा दिया, और वॉशिंग मशीन हमने ले लिया, पेमेंट भी हो गया था, पैकिंग भी हो गई थी, बट आज वो आ नहीं पाई, तो थोड़ी सी इसलिए सैड लग रही है। तो क्योंकि गैस क्या हुआ ना कि वॉशिंग मशीन तो पैक हो गई थी, बट जो डिलीवरी करने वाले भैया थे वो आज संडे है, तो ना आज संडे है तो काफी जगह डिलीवर करनी थी, तो उस हिसाब से हमारे एड्रेस तक आने में काफी लेट हो जाता, तो उन्होंने बोला डोंट वरी आपका सब कुछ पैक वगैरह हो गया, नेक्स्ट डे सबसे पहले आपके घर की डिलीवरी होगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात। लेकिन हाँ गाइस ये है कि कल ही अपना कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, और हमें लगता है 10:30-11 बजे तक आ जाएगी। हाँ, तो हाँ, उसका भी वीडियो हम लोग बनाएंगे, अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कौन सी वॉशिंग मशीन लिया है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फाइनली इनकी वॉशिंग मशीन आ ही गई, काफी टाइम से मैं बोल रहा था ले लो ले लो ले लो, तो कल रात में बहुत समझाया, हमने कहा देखो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इससे अच्छा है कि वॉशिंग मशीन ले लो, कम काम करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम हो जाएगी तो उससे ज्यादा दवा लग जाती है, तो क्योंकि मैं स्लिप डिस्क में झेल चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जब पैसे खर्चा ही होना तो अच्छे काम में खर्चा हो, और उसका यूटिलाइज भी कहीं हो, और उसका बेनिफिट भी मिले। तो इनको बहुत अच्छी वाली वॉशिंग मशीन दिलाई है, आई होप इनको पसंद आएगी। मुझे बहुत पसंद आई है एक्चुअली, क्या कहता है ना, मैं सोच रही थी पहले कुछ और ले लूं फिर वॉशिंग मशीन लूं, तो इस वजह से ना काफी टाइम से टलता जा रहा था, लेकिन बोलते हैं ना जब समय आता है तो चीज आ ही जाती है, तो मेरे साथ सेम वही हुआ है, काफी टाइम से बोल रहे थे ले लो ले लो ले लो, बट मैं टाली जा रही थी कि अभी ये नहीं अभी वो ले लूं। वॉशिंग मशीन मैंने नहीं दिलाया, वॉशिंग मशीन मैंने दिलाया आने वाले बेबी ने दिलाया अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मैं इतने दिन से कह रहा था सुनती ही नहीं थी ये, तो जो होना होता है वो तभी होता है। तो ठीक है गाइस, फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल की वॉशिंग मशीन आ जाएगी, तो वो वाला ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्यार बढ़ते रहिए। बाय।